गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय परिहार थोड़ा केवी क्लासेस सरदूलगढ़ दे यूट्यूब चैनल उते बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। अज है 2 अगस्त 2021 अते आपा 2 अगस्त 2021 नाल रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके हाजिर होए हाँ। अज आपां जो क्वेश्चंस दी गल करांगे वो पिछले 2 दिन जो आप स्किप करे सीगे वह क्वेश्चन भी आप इस ऐड करे ने, उस तो बिना जो कल दे दिन जो महत्वपूर्ण घटनावां हुई सी उन्हां नूं भी आप कवर करांगे। ठीक है जी, वीडियो नूं शुरू करन तो पहला एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे जुड़े हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना, जेकर थोनू सैशन वधिया लगता है तां इसनूं लाइक अते शेयर करना। इस दे नाल ही आपां अपने अज दे सैशन की शुरुआत करते हाँ। अपना पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? देखो आप जी गल करिए, आप काफ़ी दिनों तो सुनते आ रहे हैं ब्रिटेन बारे कि ब्रिटकॉइन नाम की एक करंसी आ रही है जो कि उसने घोषणा करी है वो उसकी डिजिटल करंसी रहेगी। बट जे आप इत्थे देखिए तो ऑप्शन दे विच आपां नूं ब्रिटेन मिलता ही नहीं, आपां नूं ऑप्शन दे विच ब्रिटेन दिखता ही नहीं हैगा। तां वो किहड़े देश हो सकते ने जिसने किहड़ा देश हो सकता है जिसने आपकी नवी क्रिप्टोकरेंसी की घोषणा की है? तो आप देखते हाँ ऑप्शनस ने अपने को, ऑप्शन नंबर 1 है केनिया, ऑप्शन नंबर 2 है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर 3 है सोमालिया, ऑप्शन नंबर 4 है तंजानिया। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर 2 नाइजीरिया। जो हाल के ही नाइजीरिया कंट्री है उसने आपकी एक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है जो कि 2021 के लास्ट तक लॉन्च भी की जाएगी, मतलब 2021 के लास्ट तक यह मार्केट के देखने को मिल जाएगी थोनों। तो जे आप गल करिए क्रिप्टोकरेंसी का नाम की होएगा तो वह नाम होएगा जी ई नायरा, ई नायरा, जो यह इस करंसी का नाम होएगा। आप रीसेंटली जिमें गल करी सी ब्रिटकॉइन की, तो ब्रिटकॉइन किसने लॉन्च कराया सीगा जी? वह कराया सी ब्रिटेन ने। किसने लॉन्च कराया सी? ब्रिटेन ने लॉन्च कराया सीगा। जो ब्रिटेन कंट्री है उस तो बिना जे आप गल करिए डॉज की, जो एलोन मस्क दे नाल रिलेटेड है, डॉज है जो एलोन मस्क नाल रिलेटेड है। जे आप क्रिप्टोकरेंसी नूं मानता देने वाले पहले देश की गल करिए वह देश केड़ा है जी? वह है जी एल सैलवाडोर, एल सैलवाडोर। इसने सब तो पहला जो क्रिप्टोकरेंसी है उसनों मानता दित्ती सीगी। जे आप नाइजीरिया की गल करिए, नाइजीरिया कंट्री बारे गल करिए, इसकी जो कैपिटल है वो है अबूजा। इसकी कैपिटल की है जी अबूजा, ते जो करंसी है नाइजीरियन नायरा, नाइजीरियन नायरा। देखो जो ई नायरा है, ई नायरा वो इसकी कैप जो क्रिप्टो करंसी होएगी, ते जो आप रियल जो फिजिकल इसकी करंसी है उसकी जो आप गल करिए वो कहड़ी है जी? नायरा। इस दे विच कल्ला नायरा यूज़ होया है ते क्रिप्टोकरेंसी दे विच ई नायरा यूज़ होया है। ठीक है जी, तो इस चीज़ दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ते जो प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट की जे आप गल करिए प्रेजिडेंट कौन ने जी? मुहम्मद बुहारी, मुहम्मद बुहारी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है, नजीब मिकाती किस देश के नवे प्रधानमंत्री बने हैं? नजीब मिकाती किस देश के नवे PM बने हैं? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है जी लेबनान, ऑप्शन नंबर 2 है ट्यूनीशिया, ऑप्शन नंबर 3 है इजराइल, ऑप्शन नंबर 4 है हैती। तो इस दे विच जो सही आंसर अपना है वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 लेबनान, ऑप्शन नंबर 1 लेबनान। जो लेबनान कंट्री है इसका जो हुण रीसेंटली प्रधानमंत्री बने ने तो कौन बने ने जी? नजीब मिकाती। जे आप गल करिए अदर ऑप्शनस की, तो आप पहला डिस्कस कर चुके हाँ ट्यूनीशिया बारे, इजराइल बारे, तो हैती बारे। जिमें इजराइल के नफ्ताली बैनेट बने सके, ट्यूनीशिया के आप जे गल करिए मैं जस्ट
तीन या चार दिन पहला यह वीडियो दे विच कवर किया है। इस दे जो नवे पीएम बने ने उन्हां दा जो नाम है वो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना। तो जे आप गल करिए हैती की, तो हैती का भी आप कवर करया सी कि हैती दे जो प्रेजिडेंट ने उन्हां नू तानाशाही करके मार दिता गया सीगा, मार दिता गया सी। जे आप गल करिए लैबनान की, तो लैबनान एक मिडल ईस्ट कंट्री है, मतलब जो इजराइल है, इजराइल के बिल्कुल लैफ्ट साइड पर जो वैसटन साइड है उत्थे लगता है, बाउंड्री शेयर करता है ये। जे आप इसकी कैपिटल की गल करिए, कैपिटल की है जी बेरूत, कैपिटल की है बेरूत, जो कि रीसेंटली चर्चा का मुद्दा रही सी। चर्चा विच क्यों रही सी, क्योंकि इत्थे अमोनियम गैस कारण, जो अमोनियम नाइट्रेट गैस है उसके कारण धमाका हो गया सीगा, धमाका हो गया सीगा, तो काफ़ी सारा नुकसान होया सीगा। तो जे आप गल करिए करंसी की, तो यह की है जी लैबनानी पाउंड, करंसी की है लैबनानी पाउंड। तो आप जे पीएम की गल करिए, पीएम आप देख ही चुके हैं कि हुण नवे पीएम बने ने इत्थे, नाम की रहेगा जी, नाम उन्हां दा है नजीब मिकाती, नजीब मिकाती। आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हाँ। क्वेश्चन नंबर तीन अपना है जी, किस देश ने नौका मोड्यूल नू अपने स्पेस स्टेशन दे विच भेजा है, नौका मोड्यूल नू अपने स्पेस स्टेशन दे विच भेजा है। देखो जिवें पहला ना हुण ISS हुंदा सीगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुंदा सीगा, जो कि पंज देशों ने मिल के बनाया सी, ते उस दे विच अलग अलग देश आपदा ना कुछ हिस्सा पाउंदे सीगे, तां जो उत्थे मतलब उसनू होर अपडेट किया जा सके। बट की हो रहा गया, हौले हौले जिवें हुण चीन ने आपदा अनाउंस कर दिता परसनल, हुण पिछे जे चीन ने आपदा एक परसनल एयर स्पेस जो स्पेस स्टेशन है उसकी गल करी सीगी, हुण इदां दे ना जो इन्हां दे आपस दे विच पहलां कॉन्ट्रैक्ट होए सीगे उह चीज़ां हुण टुट रहीयां ने, ते उह टुट के की कर रहीयां ने, हुण सारे बंदे आपदे परसनल स्पेस स्टेशन दे वल भज रहे ने, जिस दे विच चीन ने सब तो पहल की सी, ते हुण दूसरे नंबर ते एक कंट्री होर आ गई है। ठीक है जी, ते जे आपां गल करिए नौका मोड्यूल की, तो नौका मोड्यूल बारे जे आपां गल करिए, तो यह किसने भेजा जी, तो अपने कोले ऑप्शनस ने, ऑप्शन नंबर एक है चाइना, ऑप्शन नंबर दो है जापान, ऑप्शन नंबर तीन है फ्रांस, ऑप्शन नंबर चार है रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा अपना ऑप्शन नंबर चार रशिया, ऑप्शन नंबर चार रूस। जो रूस है इसने फिलहाल आपका एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन सीगा, जो उस दे विच नौका मोड्यूल नाम का एक नौका मोड्यूल नाम का एक जो पार्ट है उसनू लॉन्च कर उत्थे भेजा है, तो उस दे विच मर्ज करया है, तो यह आपका जो नवा खुद परसनल आपका एयर स्पेस स्टेशन है यह बनाने की तैयारी कर रहा है। ये हुण चर्चा दे विच क्यों रहा सी नौके मोड्यूल, तो इस चर्चा विच तां रहा सी क्योंकि लगभग 45 मिनट्स, किन्ने जी लगभग 45 मिनट्स इन जो नौका मोड्यूल से उस दे नाल कनैक्शन टुट गया सीगा, ते इस दे विच जिन्हें भी लोग मौजूद सी उन्हां नाल भी कोई कनैक्टिविटी नहीं रही सी, बट 45 मिनट बाद अपने आप यह कनैक्शन एस्टैबलिश हो गया सीगा, ते ओ हुण सक्सैसफुली उत्थे पहुँच चुके ने, सक्सैसफुली आपदे स्पेस स्टेशन पहुँच चुके ने। जे आपां गल करिए स्पेस स्टेशन ISS की हुंदा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये पंज देशों ने मिल के बनाया सी, 2024 तक जो रशिया है उसका ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला सीगा, 2024 तक रशिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला सी, जिस कारण की होया रशिया कहिंदा भी मैं अगर जे नवा कॉन्ट्रैक्ट लऊंगा उसकी बजाय, जिवें हुण चीन आपका परसनल ही बना रहा है तो उन्ना ही खर्चा होगा, मैं आपका परसनल क्यों ना बना ला, तो इस करके उसने कॉन्ट्रैक्ट ना वधाते हुए आपके खुद के परसनल स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। जे नौका मोड्यूल की गल करिए, इसका जिमें आप डिस्कस करी सी भी 45 मिनटों तक इन्हों का आपस कोई संपर्क नहीं रहा सीगा। ते जे आप गल करिए रशिया बारे जो बेसिक इनफॉरमेशनस है, तो रशिया की जो कैपिटल है वो की है जी मॉस्को। जे करंसी की गल करिए, करंसी है जी रूबल, तो जो प्रेजिडेंट ने वह कौन ने जी व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो इंडिया तो जो रशिया है इस दे विच ना अगे एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, उसका नाम की रहेगा जी, उसका नाम रहेगा इंदिरा, उसका नाम रहेगा इंदिरा। क्वेश्चन नंबर चार है जी, भारत के किस राज्य ट्रांसजेंडर नू
सरकारी नौकरी विच आरक्षण मिलिया है? भारत के किस राज्य विच ट्रांसजेंडरस नूं सरकारी नौकरी दे विच आरक्षण मिलिया है? तो इस दे विच देखो, यह पहला अलग अलग प्रकार दे रिजर्वेशन आप देखते सीगे, एस सी एस टी हो गया, ई डबल्यू एस हो गया, ओ बी सी हो गया, उस तो बिना गर्ल्स वास्ते रिजर्वेशन हो गया, साबका फौजी हो गए, बट हुण की होया जी, इस तो बिना एक होर टाइप दे जो रिजर्वेशन है उसकी शुरुआत की जा रही है। किस दे द्वारा की जा रही है? तो यह की जा रही है जी कर्नाटक सरकार द्वारा, अपने जो भारत दे विच ट्रांसजेंडरस नूं सरकारी नौकरी दे विच आरक्षण देने की शुरुआत करी है। तो अपने ऑप्शन नंबर तीन कर्नाटक, ऑप्शन नंबर तीन कर्नाटक, जो कर्नाटक है इसने जो ट्रांसजेंडरस ने उन्हां नूं आरक्षण देने की शुरुआत करी है। ठीक है जी, जे आपां बेसिक इन्फॉर्मेशन की गल करिए कर्नाटक बारे, तो कर्नाटक दे विचों तुसी ना दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट दे जिन्हां नूं तुसी जरूर याद रखोगे, क्योंकि ना बार बार क्वेश्चन आ रहा कर्नाटक तो ये चीज़ थोनों याद होनी बहुत जरूरी है। एक तो इस दी जो कैपिटल है वो की है जी, वो है बेंगलुरु, आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हाँ, बट फिर भी आप एक बार फिर कर लें, जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, इत्थे इसरो दा हेडक्वार्टर स्थित है। तो जे आप गल करिए इतों के सी एम की, तो पहला सी एम कौन सी जी? पहला सीगे जो अपने सी एम सीगे वो सीगे बी एस येदियुरप्पा, बट वो उन्होंने हुण की करया है, उन्होंने अस्तीफा देता सीगा, अस्तीफा दे तो बाद जो नवे सी एम बने ने वो कौन बने ने जी? बसवराज बोमई, बसवराज बोमई। तो जो गवर्नर बने सी वो बने सीगे थावर चंद गहलोत, तो गवर्नर भी इसे मंथ के बने ने, सी एम भी इसे मंथ के बने ने। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, सो इन्हों याद करके जरूर चलना है। तो इस गल करके जो भी कोई कर्नाटक न रिलेटिड क्वेश्चन आता है तो मैं इन्हों बार बार रिपीट करदा, बिकॉज यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं हुण ते हुण जो एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने तो यह मस्ट है। अपना नैक्सट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर पाँच है जी, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क किस राज्य विच स्थापित किया गया है? बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क किस राज्य दे विच स्थापित किया गया है? यह अपना एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, क्योंकि बैम्बू एग्रीकल्चर नाल भी रिलेटेड है तो इंडस्ट्री नाल भी रिलेटेड है, तो दोनों चीज़ों नूं आप मिक्स करके चल सकते हैं, तो ये सोच के चल सकते हैं भी हो सकता है ये पेपर ये क्वेश्चन पटवारी के पेपर विच भी आने दे लायक है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच जो कह रहा है भी भारत दे विच बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क किस राज्य विच स्थापित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है बिहार, ऑप्शन नंबर दो है आसाम, ऑप्शन नंबर तीन है पंजाब, ऑप्शन नंबर चार है केरल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आसाम, वो रहेगा आसाम। आसाम सरकार ने की करा है कि उन्होंने एक पिंड है इत्थे मंदेर दिशा नाम का ना पिंड है इत्थे एक आसाम दे विच, तां उस दे विच जो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी शुरुआत करी है, उसकी शुरुआत करी है। जे आप गल करिए आसाम दे जो रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट ने, तो जो करंट आप पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हाँ, आसाम की जो कैपिटल है वो रहेगी जी दिसपुर, कैपिटल की है दिसपुर है। तो जो सी एम ने उन्हें जी हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा। तो जो गवर्नर ने उन्होंने बारे भी आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हाँ अपन वीडियोज़ के, तुम मैं गवर्नर का नाम जरूर दसना कमेंट बॉक्स के। तो जो नवे करंट जो हुण रीसेंटली आसाम नाल आपां पढ़े सी, एक बार उन्होंने रिवाइज़ कर लैंदे हाँ। जो एक यात्री संजीवनी योजना सी वह कित्थों नाल रिलेटेड है जी? वह आसाम नाल रिलेटेड है। उस तो बिना अरुणोदय योजना, धनवर्ती योजना, जिन्हिया भी योजनावां ने इन्हां दे नाम जरूर याद रखना। देखो यात्री संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, धनयोत्री धनवर्ती योजना, ठीक है जी। तो इस तो बिना जे आपां गल करिए जो भारत का ओनली गोल्डन टाइगर है, मतलब भारत दे विच जिहड़ा इक्को ही सुनहरी बाघ है, वह कित्थे देखा गया, किस राज दे विच देखा गया है? तो वह देखा गया जी आसाम दे विच। उस तो बिना भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, तो वह भी कित्थे स्थापित होया जी? आसाम दे विच स्थापित होया है। तो आसाम का जिहड़ा सब तो नवा नैशनल पार्क बनया है, तो उसका नाम की है जी दिहिंग पटकई, दिहांग पटकई, ठीक है जी।
गवर्नर का नाम मैंने जरूर दसना, आप डिस्कस कर चुके हाँ काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीबी दे नवे चीफ कौन बने हैं। पहला तो जे आप गल करिए एनसीबी है की, तो एनसीबी है जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिस दे विच की है कि यह जो ड्रग्स नाल रिलेटेड चीज़ा होंदिया ने ना, जो भारत दे विच गलत तरीके नाल ड्रग्स का यूज़ हो रहा, कारोबार हो रहा, तो उन्होंने चीज़ों पर सीक्रेटली नज़र रखती है। मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि ड्रग्स नाल रिलेटेड केसिस पर काम करती है। ठीक है जी, जे आप गल करिए इस दे हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो कित्थे है जी, वह है जी दिल्ली दे विच। ते जो फॉर्मेशन हुई है इसकी वह कदों हुई है जी, 18 मार्च 1986। कदों हुई है जी फॉर्मेशन यदि, 18 मार्च 1986 दे विच इसकी फॉर्मेशन हुई है। जे आप गल करिए हुण जो क्वेश्चन है अपना भी एनसीबी दे नवे चीफ कौन बने ने, तो जो नवे चीफ बने ने एनसीबी दे, तो इस दे जो ऑप्शनस ने अपने कोले, ऑप्शन नंबर 1 है कुलदीप सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है SS देशवाल, ऑप्शन नंबर 3 है राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर 4 है SN प्रधान। तो देखो इस दे जो पहला अपने कोले जो एनसीबी सी, ये चर्चा दे विच रही सी, पिछे बहुत चर्चा दे विच रही सी। क्यों रही सी? तो जो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर सीगा, उस दे रिलेटेड जो केस सीगे, ड्रग्स दे जो केस सीगे, तो वो एनसीबी ही हैंडल कर रही सी, जिस दे करके ये चर्चा दे विच रही सी। ते उस टाइम इस दे जो चीफ सीगे वो कौन सी जी? राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं राकेश अस्थाना, लेकिन हुण इन्हां नूं चेंज कर दिता गया है। राकेश अस्थाना नूं तां दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिता गया है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिता गया है। तो तुसीं इत्थों एक क्वेश्चन होर या बना सकते हो कि दिल्ली के नवें जो पुलिस कमिश्नर ने किसनों अपॉइंट किया गया है, तो कौन ने जी? राकेश अस्थाना। तो जो इत्थों के एनसीबी के चीफ बने ने, तो वह कौन बने ने जी? वह बने ने SN प्रधान। SN प्रधान जो SN प्रधान ने, वह एनसीबी के नवे चीफ बने ने। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल तुसी रिलेट करके क्वेश्चन नू याद कर सकते हो भी जो पुराने एनसीबी दे चीफ सीगे उन्हां नू तां दिल्ली दा पुलिस कमिश्नर बनाता, ते जो हुण एनसीबी दे चीफ बने ने तां उह कौन बने ने जी? SN प्रधान बने ने। जे आपां गल करिए एनसीबी हुंदा की है, तां इह की है जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ते हैडक्वार्टर दिल्ली दे विच है, ते फॉर्मेशन 18 मार्च 1986 नू होई सी। ठीक है जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे विच की है जी, किस देश ने भारत नू अपने उस दे पुराने इतिहासिक स्रोत वापस करने का फैसला किया है। मतलब किस देश ने भारत दे विचों ना जो पुराने अपने कोले जो कलाकृतियां होंदियां ने, मूर्तियां होंदियां ने, या फिर कुछ होर अवशेष होंदे ने, तां उह चोरी करके इंडिया तो बाहर लैके चले जाते हैं, उस तो बाद उत्थे महंगे भाव दे विच बेचे जाते हैं, तो वह उदां दियां चीज़ां काफ़ी वो समगल हो रही हैं सी, बट हुण जो उस काफ़ी जो कंट्रीज ने वो इस चीज़ा नू वापस कर रहा है। ठीक है जी, इस तरह एक कैनेडा ने एक मूर्ति वापस करी सी, इंडिया की जो अन्नपूर्णा देवी सी उन्हां दी मूर्ति सी, जो कि लगभग 100 साल पहला चोरी हो गई सी इंडिया दे विच, ते उत्थे समगल करी गई सी, ते उस चीज़ नू वापस करया सी भी इंडिया नाल रिलेटेड है। तां एक काफ़ी टाइम पहलां दी गल है, हुण जो देश आया चर्चा दे विच, तां उस देश दी गल करें, उसने लगभग 14 पीसीज ने इंडिया नू वापस करे हन। तां जे आपां गल करिए तां ओह किहड़ा देश है जी, उस दे लई आपां देखदे हां अपने ऑप्शनस ने। ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 है कैनेडा, ऑप्शन नंबर 3 है USA, ऑप्शन नंबर 4 की है जी म्यांमार। तां इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 दे विच की है जी अपना ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, इसने रीसेंटली ही जो 14 अपने पुराने इंडिया दे जो आर्किटेक्ट सॉरी पुराने इंडिया दे जो स्रोत सीगे, या आप कह दिए भी जो अवशेष सीगे, उन्हां नू की कराया है? वापस किया है। ठीक है जी, जो कि चोरी होकर इंडिया तो बाहर चले गए सीगे, ते जो ऑस्ट्रेलिया दे विच सीगे, ते ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने उन्हां नू इंडिया वापस भेजण दा फैसला किया है। ठीक है जी, जे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन की गल करिए ऑस्ट्रेलिया बारे, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ते जो PM ने वो कौन ने जी? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन
ਅਤੇ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 2032 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਜੀ? ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਸਾਰਲਾ ਵੈਂਕਟਾ ਸਿੰਧੂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੇਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਿਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ? ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੈਟਿਕਲ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸਡ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਅਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 6:45 'ਤੇ ਸੁਬਾਹ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੈਟ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਸ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵਟਸਐਪ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਐਡਰੈਸ ਪਲੱਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।